टिफिन खोलकर अपने लिए खाना परोसते ये हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बीडी शर्मा। बीडी शर्मा मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन में भोजन लाकर एक दूसरे के साथ परोसकर खा रहे हैं। इसे टिफिन पॉलिटिक्स कहते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ये टिफिन पॉलिटिक्स कई जगहों पर शुरू कर दी है। खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने इसकी शुरुआत अपने ही लोकसभा क्षेत्र से की। खजुराहो में कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने इसी तरह भोजन किया तो कांग्रेस ने उनकी टिफिन पॉलिटिक्स पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज कॉपी करने में जुटी है ताकि किसी तरह चुनाव में हार से बच जाएं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव हैं। पहले भाजपा से वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने की नई पहल की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इसकी शुरुआत टिफिन पॉलिटिक्स से कर दी है। कांग्रेस ने उनकी इसी टिफिन पॉलिटिक्स को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पंगत में संगत से जोड़ा है। कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा कि दिग्विजय सिंह कई कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पंगत में संगत कार्यक्रम कर रहे हैं, भाजपा अब उनकी नकल कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई बचा नहीं है, वो सिर्फ नकल करने में लगे हैं। इन्होंने देखा है दिग्विजय सिंह जी ने पंगत में संगत किया था पिछली बार, तो बहुत फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था। उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी का, एकता का उद्देश्य था जनता के लिए, ये सत्ता के लिए है। और सत्ता के लिए पुराने कार्यकर्ताओं को बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनल तौर के ऊपर लाना, ये हम सब जानते हैं कि असंभव है। आज कार्यकर्ता बीजेपी का नाराज है और बीजेपी में सरफुटबल के हालात हैं, ये इस बात से प्रमाणित हो गया कि क्यों अध्यक्ष जी को जाना पड़ रहा है। अगर उन पूरे कार्यकर्ताओं को दो दशक से पूछा होता, या कम से कम पिछले 5 साल ने पूछा होता, जब सत्ता का सुख बीजेपी को मिला हुआ था, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती। आज बीजेपी के पास जनता भी नहीं है, आज बीजेपी के पास उसका कार्यकर्ता भी नहीं है, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है। जनता आने वाले समय में जवाब देगी और कार्यकर्ता भी आने वाले समय में जवाब देगा। बीजेपी हमेशा कहती है हम किसी की कॉपी नहीं करते, कांग्रेस हमारा कॉपी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत नई पार्टी है, उसके जो कार्यकाल है वो 30 साल का होगा। कांग्रेस पार्टी एक सदी पुरानी पार्टी है, हर नकल हमारी ही करी है। अगर इनके मोर्चा संगठनों को देखें तो भी हमारी नकल करी है, किसी और दुनिया की पार्टी से देख के आए नहीं है। तो ये बीजेपी का कहना अहंकार से भरा है और कुछ नहीं है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि हमारे नेता तो सदैव कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से भोजन करते हैं और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ क्या खाते हैं ये किसी को नहीं पता। कभी किसी ने उन्हें कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाते देखा है क्या? देखिए, स्टीफन पार्टी के माध्यम से जो संदेश जा रहा है, एक अपनत्व का, एक प्रगाढ़ता का, एक किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में संगठन के प्रमुख नेतृत्व का अपनत्व का भाव है, ये उसका संदेश जा रहा है। क्या कांग्रेस में संभव है कि कमलनाथ जी कभी जमीन पर बैठ के किसी कार्यकर्ता के साथ टिफिन खा सकें? अरे, कमलनाथ जी तो क्या भोजन करते हैं ये भी किसी को आज तक नहीं पता। कमलनाथ जी को किसी ने जमीन पर बैठे हुए देखा कि आज तक? इस प्रकार से सहज भाव से भाजपा का नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जमीन पर बैठ के कार्यकर्ताओं से सहज भाव पर टिफिन बैठक पर चर्चा कर रहे हैं, टिफिन खा रहे हैं, उनके घर का खाना खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, अपने हाथ से खिला रहे हैं। क्या कांग्रेस का कोई नेता कर सकता है? क्या कांग्रेस में संभव है इस तरह की? कांग्रेस में तो जो खाना है वही लूट लिया जाता है, टिफिन क्या लाएंगे? बल्कि कोई टिफिन लिया तो टिफिन भी लूट लें, ये तो लूटने वाली पार्टी है। इनमें कोई अपनत्व नहीं होता, प्रेम नहीं होता, कोई सहज भाव नहीं होता। इनके नेता कमलनाथ जी को आपको भी जमीन पे बैठे, वो तो कांग्रेस के धरने प्रदर्शन में भी जाते हैं तो जमीन पे नहीं बैठते, वो तो घर के बाहर धरना प्रदर्शन कराते हैं, वहीं खड़े खड़े चले जाते हैं। तो ये सहज भाव कांग्रेस भले कितना भी कोसे उसमें कभी देखने को नहीं मिल सकता, ये भाजपा के संगठन में ही संभव है। चुनाव से पहले पार्टी अपने भीतर और बिखराव नहीं चाहती है। ऐसे में पार्टी के नाराज नेताओं के घर बड़े नेता पहुंच रहे हैं और उनके घरों में बैठकर ही भोजन और चाय का दौर चल रहा है, ताकि चुनाव के पहले नाराज नेताओं को साध लिया जाए और इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। 2018 में दिग्विजय सिंह ने पंगत में संगत के तहत कई नाराज वरिष्ठ नेताओं को एकजुट कर लिया था, जिसका परिणाम कांग्रेस को अच्छा मिला था। इस बार भाजपा भी यही कर रही है। बहरहाल, कांग्रेस और भाजपा दोनों टिफिन पॉलिटिक्स और भोजन पॉलिटिक्स के जरिए कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी हैं। अब देखना यह है कि चुनाव में
किसको कितना लाभ होता है।